नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं। गर्भ गृह में विराजमान रामलला के चेहरे की पहली तस्वीर सामने आई। राम मंदिर विवाद का फैसला सुनाने वाले पांचों जज को निमंत्रण भेजा गया। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को आज चौथा दिन था। रामलला की पूरी तस्वीर सामने आई है। इसमें रामलला का पूरा चेहरा दिख रहा है। आज शाम से अस्थाई मंदिर में रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन करने को मिलेंगे। इससे पहले गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया था। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लग गए थे। बताया गया है कि अब मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज फल और घी में भी रखा जाएगा। आज श्री रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास कराया गया है। फिर आरनी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट की गई। श्री रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। इस बीच जगतगुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि गर्भगृह में नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लोगों के दर्शन के लिए किया गया है। आज शाम 7 बजे से अस्थाई राम मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे। राजस्थान के रमजान के बनाए सिंहासन पर विराजित हुए रामलला। 25 साल पहले हुई निर्माण को लेकर बात तब से सीक्रेट रखा राम मंदिर का हर डिजाइन। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। उसके कुछ समय बाद एक दिन राजस्थान के मकराना शहर के 59 साल के मोहब्बत रमजान के पास उनके पुराने लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आई। रिंग सुनकर रमजान चौंके, क्योंकि मोबाइल के दौर में काफी दिनों से ये लैंडलाइन फोन खामोश था। खैर, रमजान ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई कि मैं चंपत राय बोल रहा हूँ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मीटिंग है, आपको आना है। रमजान अयोध्या गए। मीटिंग में चंपत राय ने वही बात दोहराई जो उन्होंने 25 साल पहले कही थी कि राम मंदिर का काम रमजान ही करेगा। इसके बाद से रमजान और उसकी टीम अपने काम में जुट गए। 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामलला की मूर्ति गर्भगृह में बने जिस सिंहासन पर विराजित की गई है वो मोहम्मद रमजान ने ही तैयार की है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों, छतों, दरवाजों, फर्श और सीढ़ियों को अपनी कला से भव्य बनाया है। 3 दिन पहले उन्हें और उनके चीफ आर्किटेक्ट गनी मोहम्मद को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। गुरुवार को वो अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। करीब 25 साल पहले मेरे पिता सेठ बहुद्दीन के पास विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग आए थे। अशोक सिंगल और चंपत राय समेत ट्रस्ट मंडल के लोग भी साथ में थे। उन्होंने यह कहा कि यहां मकराना शहर में कई जगह पर जाकर राम मंदिर में लगने वाले मार्बल और इसकी कारीगरी को लेकर सर्वे किया। उन सभी को हमारी कारीगरी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और वापिस अयोध्या चले गए। अयोध्या जाकर सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि रमजान ही रामलला का काम करेगा। हिदायत दी गई कि डिजाइन व नक्शा लीक न हो, किसी भी दूसरे मार्बल से ज्यादा अच्छी क्वालिटी। राम मंदिर के गर्भगृह में सभी सिंहासन, दरवाजों, खंभों, सीढ़ियों और इंटीरियर से जुड़ा पूरा निर्माण कार्य हमने ही किया है। ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर भी हमने काम किया है। राम मंदिर में लगे मकराना के संगमरमर की दुनिया के किसी भी दूसरे मार्बल से तुलना ही नहीं की जा सकती। ये सबसे सुंदर तो है ही, साथ में इसमें 0% आयरन और 90% कैल्शियम है। ऐसे में ये पुराना नहीं होगा बल्कि गुजरते समय के साथ ये खूबसूरत होता जाएगा। ऐसी क्वालिटी का संगमरमर भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में मिलना आसान नहीं था। पिछले 1.5 साल से मकराना में हमारे कारखाने में कारीगर
दिन रात इसी काम में लगे हुए थे। ट्रस्ट मंडल के दो सदस्य हैं, एलएनटी और टाटा कंपनी के दो सदस्यों को मिलाकर बनी इंस्पेक्शन कमेटी की देखरेख में सारा काम होता था। ये इंस्पेक्शन कमेटी अप्रूव करती, उसके बाद ही यहाँ से तैयार हुआ माल अयोध्या के लिए लोड होता था। वे ही ये तय करते थे कि हमारे द्वारा तराशा हुआ कौन सा पत्थर मंदिर में लगेगा, रिजेक्टेड माल मेरे पास यही पड़ा है। पिछले 1.5 साल से हमारी 650 लोगों की हमारी टीम काम कर रही थी। माल पहुंचने के बाद आगे का काम भी अयोध्या में हमारी टीम ने ही किया। आखिर अब हमारी मेहनत साकार हुई है। मुझे और मेरे चीफ आर्किटेक्ट गनी भाई के साथ उस गौरवशाली पल का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण मिला है। हम 21 जनवरी को सुबह तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। वहां 3-स्टार होटल में हमारे रुकने का इंतजाम किया गया है। वहीं मंदिरों से हमारे परिवार का गहरा जुड़ान है। 5 पीढ़ियों से हम मंदिर ही बना रहे हैं। आने वाली सभी पीढ़ियां भी मंदिर ही बनाएंगी। जब सोमनाथ का मंदिर बना था तब मेरे दादा ने वहां मजदूरी की थी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो टाटा अंडानी अंबानी बच्चन परिवार और देश की हर आम और खास शख्सियत के साथ बढ़ता चला गया। इनमें से बहुत से लोगों के घरों में आज भी हम मंदिर का काम कर रहे हैं। भगवान की मेहरबानी है कि मंदिर बनाने के लिए उन्होंने हमें चुना। चंपत राज राय ने दिया था आशीर्वाद। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी काम की रफ्तार, मंदिर के डिजाइन बदलने की बड़ी चुनौती। चीफ आर्किटेक्ट गणेश ने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर की पूरी डिजाइन को बदल दिया था और मंदिर की हाइट भी बढ़ा दी थी। ऐसे में उस दिन तक तैयार किया गया माल फिलहाल मंदिर में काम नहीं लिया गया है। पूरे माल को नई डिजाइन के हिसाब से ही तैयार किया गया है। हम समझते हैं कि जो माल पहले तैयार हुआ था वो भी आगे मंदिर की परिक्रमा में काम आ जाएगा। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर न्यूज घटना स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अंत में सिर्फ एक ही बात करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।